तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। एमएक्स एडिटर पे जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। एंड तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपना इस तरह का एनिमेशन लोगो बना सकते हैं आसान से स्टेप से एंड बिना किसी झोल झाल के। यानी कि मैं एक एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा अपने काइन मास्टर का एंड वहाँ से आप इस तरह से अपना इंस्टाग्राम यानी फेसबुक वगैरह सभी का लोगो बना सकते हैं अपने नेम का, तो आसानी से बना सकेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इस तरह से स्क्रीन पे शो करके आपको दिखा देता हूँ तो किस तरह से ये लोगो बनाना है। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड इससे पहले मैं बता दूँ कि जितने भी टेम्पलेट वगैरह सॉन्ग वगैरह इस्तेमाल करूँगा मैं इसमें, सभी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन यानी कि हमारे काइन मास्टर के अंदर। आने के बाद यहाँ पर 16.9 को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मीडिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन सर्च यानी ब्लैक स्क्रीन को ले लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज एड्स में आएंगे, आने के बाद ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ब्लैक फोटो को यहाँ पर लेने के बाद ब्रश पे क्लिक करके इसे कटस कर लेंगे। उसके बाद में इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अभी क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जितने भी मैं वीडियो इसमें लूँगा वो सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप ईजिली ले सकते हैं। तो जो मैं पहले वीडियो लूँगा वो आपको दिखा देता हूँ। पहले कुछ इस टाइप का हमारा वीडियो है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे विभाजित स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल कर लेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बैग आएंगे। बैग आने के बाद अभी देख सकते हो कुछ इस टाइप का हमारा ये बन चुका है, ये वाली वीडियो है वो टेम्पलेट है। उसके बाद फिर से लेयर पर क्लिक करना होगा। लेयर पर क्लिक करने के बाद फिर से मीडिया पर जाएंगे एंड मीडिया पे जाने के बाद अभी फिर से आपको एक और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं आप। तो वहाँ से इसे ले लीजिएगा एंड इसे भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मैं सेम प्रोसेस करनी होगी, इसे भी विभाजित स्क्रीन पे जाके फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से बैग आएंगे। बैग आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लेंडिंग यानी स्क्रीन हो जाएगा ये। उसके बाद अभी देख सकते हो कुछ इस टाइप का हमारा वीडियो है। तो आपको अगर हैंग करके दिखेगा थोड़ा सा मेरा ये काइन मास्टर में, तो चलिए कोई ना, मैं आपको गैलरी में बता दूंगा अच्छे से। उसके बाद मैं जो कर रहा हूँ वही करना है आपको बस। उसके बाद मैं फिर से लेयर पे क्लिक करना होगा और जो भी आपका चैनल का लोगो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली मैं अपना एनिमेशन यानी कि मेरे चैनल का लोगो लेकर आ चुका हूँ। आने के बाद अभी क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना होगा। इसे भी स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा स्क्रीन कर लेना होगा। अभी बैग आ जाना होगा, फिर से बैग आएंगे। उसके बाद में पहले तो आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए जहाँ से आपका एनिमेशन दूर हो रहा है। तो मैं सिंपल सा इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से एंड यहाँ पर देख सकते हो ये स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मैं इसे यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पर लाल लाइन को ले रखा था, तो इस हिसाब से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अभी देख सकते हो ये थोड़ा सा और बड़ा है, तो इसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसे छोटा कर लेंगे एंड थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। आपके बीच में आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद मैं अभी क्या करना हूँ, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा वीडियो के ऊपर। उसके बाद में वीडियो पर क्लिक करेंगे फिर से एंड यहाँ पर आउट एनिमेशन पे जाएंगे, तो सबसे आखिरी में आ जाएंगे आउट एनिमेशन में। सबसे आखिरी में आने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा एंड दूसरे नंबर धुंधले को सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। एंड यहाँ से फिर राइट पर क्लिक करके बैग आ जाएंगे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, इन एनिमेशन में जाएंगे, सेम प्रोसेस करनी होगी। फिर से टू ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे धुंधला, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से बैग आ जाएंगे। और अभी हमारी वीडियो देख तो कुछ इस टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लोगो थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस वाले यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। एंड वीडियो पे क्लिक करके थोड़ा सा वीडियो का आगे कर लूँगा। अभी देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी देख सकते हो, थोड़ा सा मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, हैंग कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन कोई ना, मैं गैलरी में अच्छे से आपको दिखा दूँगा किस तरह का हमारा वीडियो बना है। एंड उसके बाद अभी क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आखिरी में आ जाना होगा और जो भी आपकी वीडियो की टेम्पलेट बढ़ रही होगी इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से विभाजित स्क्रीन पे जाके इस तरह से इस वाले भाग को उड़ा देंगे, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन में भी जाएंगे और इस वाले भाग को भी उड़ा देंगे। तो मैं सब में फटाक से ये कर लेता हूँ, ठीक। कुछ इस टाइप से हमने ये ऐड कर लिया है। उसके बाद अभी क्या करना है, सॉन्ग ऐड करना है, ठीक है। तो मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी मीडिया नहीं सॉरी गाइस सॉन्ग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग वाले ऑप्शन पे जाकर आपका सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना होगा। सॉन्ग का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली इन्हें ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर।
तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, पहले तो सॉन्ग सुन लेना होगा आपका, वही सॉन्ग है। उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका सॉन्ग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कटस पे क्लिक कर लेना है। एंड अभी देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस टाइप का बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर प्ले करूँगा तो मैं थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से आपको दिखेगा नहीं, हैंग करेगा, तो इसलिए मैं आपको गैलरी में ही दिखाऊँगा। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं गैलरी में जाकर आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। एंड यहाँ पे इसे हंड्रेड करके यहाँ पे वीडियो के रूप में सेव करके क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो चलिए मैं आपको गैलरी के अंदर दिखाता हूँ किस तरह का हमारा लोगो बना है। तो चलिए फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर। आने के बाद अभी मैं आपको फाइनली रिजल्ट दिखाता हूँ किस तरह का हमारा एनिमेशन लोगो बना है। तो एक बार यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार और क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का हमारा लोगो बना है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि किस तरह से आप अपने लोगो बना सकते हैं, मतलब अपने एनिमेशन लोगो बना सकते हैं चैनल का, या किसी भी चीज़ का, गेमिंग वगैरह किसी भी चीज़ का बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अपने व्हाट्सएप का या किसी भी प्रोफाइल का, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो।